नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में बन रहा विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य आज से शुरू। फ्लू से पीड़ित गंभीर मरीजों के लिए स्वास्थ्य सचिव ने दिया निर्देश। शिक्षक नियुक्ति में सामान्य वर्ग की महिलाओं को मिलेगी छूट। हर रोज 1,00,000 रुपए बांटने वाले ये हैं बिहार के नेता। आज के दिन टेस्ट क्रिकेट में 3 दिग्गजों ने किया था डेब्यू। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बन रहा विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य आज से शुरू। पूर्वी चंपारण के कैथवलिया बहुआड़ा में अयोध्या जनकपुर राम जानकी मार्ग में बनने वाले विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य आज यानी कि मंगलवार से सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शुरू कर दिया गया है। बता दें कि मंदिर के सचिव ललन सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह मंदिर 1800 फुट लंबा और 580 फुट चौड़ा होगा। इसके साथ ही 270 फुट ऊंचा व 120 एकड़ क्षेत्रफल में रामायण मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसका पूरा एरिया 76,000 वर्ग फुट होगा। मंदिरों की संख्या 22 व सिखरों की संख्या 12 होगी। मंदिर के सचिव के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति में सामान्य वर्ग की महिलाओं को मिलेगी छूट। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से एक बार फिर से प्राथमिक विद्यालयों में 79,943 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति में अर्हता निर्धारित की गई है, जिसके तहत विभाग की ओर से आदेश जारी कर बताया गया है कि सामान्य कोटि के वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने BETET 2017 या CTET में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किया हो, वही विद्यालय अध्यापक पद के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों ने अगर BETET 2017 या CTET में न्यूनतम 55% अंक हासिल किया है तो वो भी विद्यालय अध्यापक पद के लिए पात्र माने जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों की पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होना चाहिए। पटना में आज से खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। आज यानी कि 20 जून से बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविर के आयोजन की शुरुआत हो गई है। बता दें कि शिविर में 8वें निर्जा में उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2 सप्ताह तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनका चयन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा REC लिमिटेड के सहयोग से किया गया था। बता दें कि शिविर में 5 राज्यों के 200 से ज्यादा एथलीट ने भाग लिया है और साथ ही शिविर में 12 राष्ट्रीय प्रशिक्षक भी पहुंचे हैं, जो सभी एथलीट को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर में जिन राज्य के 200 से ज्यादा एथलीट ने भाग लिया है उसमें बिहार, असम, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा शामिल है। मालूम हो कि शिविर 5 जुलाई 2023 तक चलने वाली है। वहीं इस प्रशिक्षण में आए सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए रहने खाने से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्था बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा की गई है। बिहार के समृद्ध इतिहास, कला, संस्कृति व धरोहरों से रूबरू होंगे G20 देशों के प्रतिनिधि। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह के द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर G20 बैठक को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि G20 देशों के सभी प्रतिनिधि बिहार के पर्यटन स्थलों का परिभ्रमण करें और राज्य के छवि की यादों को अपने साथ संजो कर ले जाए। बता दें कि बैठक में यह भी जानकारी दी गई है कि 21 जून की शाम में सभी G20 प्रतिनिधियों को बिहार संग्रहालय का परिभ्रमण कराया जाएगा और इसके बाद 23 जून की सुबह में सभी प्रतिनिधि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की बस सेवा से तख्त हरमंदिर पटना साहिब का परिभ्रमण करेंगे। इसके अगले दिन विश्व विरासत स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर और नालंदा संग्रहालय का भी परिभ्रमण कराया जाएगा। मालूम हो कि पर्यटन स्थलों पर विभाग की ओर से मान्यता प्राप्त कुशल बहुभाषीय टूरिस्ट गाइड उपलब्ध होंगे। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए इस लिंक से करें आवेदन। अगर आप भी बिहार पुलिस में नौकरी पाने के इच्छुक हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार पुलिस में सिपाही पद की 21,391 रिक्तियों के विरुद्ध सीधी नियुक्ति के लिए बीते दिन से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए केंद्रीय चयन पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। अगर इस आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2022 तक इंटर उत्तीर्ण किया होना चाहिए। वहीं वैसे अभ्यर्थी जो फर्जी तरीके से फॉर्म भरेंगे उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन से शराब की बड़ी खेप जब्त।
बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का है, जहां मुजफ्फरपुर रेल SP कुमार आशीष के निर्देश पर शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए मुजफ्फरपुर GRP की पुलिस के द्वारा थाना अध्यक्ष दिनेश साहू के नेतृत्व में ट्रेन संख्या 02570 दरभंगा क्लोन स्पेशल के बोगी संख्या B4 के शौचालय के पास से 3 लावारिस बैग से कुल 78 बोतल विदेशी शराब की बोतल बरामद की गई है। बता दी कि प्रत्येक बैग में 26 बोतल मौजूद थे। वहीं शराब मिलने के बाद पुलिस के द्वारा जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लू से पीड़ित गंभीर मरीजों के लिए स्वास्थ्य सचिव ने दिया निर्देश। बीते दिन सोमवार को स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह के द्वारा सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य और अधीक्षक के साथ बैठक कर लू से पीड़ित गंभीर मरीजों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, जिसके तहत लू से ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए प्रमुख अस्पतालों में डेडिकेटेड वार्ड बनेगा, जिसमें 24 घंटे चिकित्सक और पारा मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 20 से 30, जिला अस्पताल में 10 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1 या मरीज की जरूरत के अनुसार बेड रिजर्व रखे जाएंगे। इसके साथ उन्होंने लू से पीड़ित मरीजों के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सांस की गति और दिमागी हालत पर भी नजर रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही लू से कितने लोगों की जान चली गई है, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट की मांग की गई है। बिहार के 7 अपर समाहर्ता सह बंदोबस्त पदाधिकारियों को राजस्व विभाग ने भेजा नोटिस। बीते दिन आयोजित हुई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने वाले 7 अपर समाहर्ता सह बंदोबस्त पदाधिकारियों को सर्वे निदेशालय की ओर से गंभीरता से लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 7 अपर समाहर्ता सह बंदोबस्त पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, उनमें पूर्णिया, सहरसा, लखीसराय, अररिया, मधेपुरा, जमुई और मुंगेर के अपर समाहर्ता शामिल है। वहीं अगर इन अपर समाहर्ता के द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक का आयोजन पटना के शास्त्री नगर स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में किया गया था। बिहार के सीतामढ़ी में घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ CO। बिहार में भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी या अधिकारी पर नकेल कसा जा सके, इसके लिए विजिलेंस की टीम के द्वारा सख्ती से नजर रखी जा रही है। बता दें कि ताजा मामला सीतामढ़ी के डुमरा का है, जहां के CO चंद्रजीत प्रकाश की निगरानी की टीम के द्वारा एक व्यक्ति से 25,000 रुपए घूस के रूप में लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं CO की गिरफ्तारी की खबर अब धीरे धीरे फैल गई और सोशल मीडिया पर सर्किल ऑफिसर के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी है। मालूम हो कि CO की गिरफ्तारी की पुष्टि निगरानी के अधिकारी गोपाल कृष्ण के द्वारा की गई है। माना गया कि डुमरा के रामपुर परोड़ी गांव के गौरी शंकर सिंह की जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने 2 बार DM से की थी, जिसके बाद CO को आदेश दिया गया था कि वह अतिक्रमण खाली करवाए, लेकिन अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए CO के द्वारा गौरी शंकर से 25,000 रुपए मांगे जा रहे थे, जिसको लेकर गौरी शंकर की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई थी। हर रोज 1,00,000 रुपए बांटने वाले ये हैं बिहार के नेता। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के द्वारा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक नया दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि वह हर रोज कम से कम 1,00,000 रुपए लोगों के बीच बांटते हैं और अब तक उन्होंने करीब 300 करोड़ रुपए लोगों के बीच बांट दिए हैं। उन्होंने बताया कि वह 1983 से राजनीति कर रहे हैं, उस वक्त से लेकर आज तक में उन्होंने लोगों के बीच करीब 300 करोड़ रुपए बांट दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कई बार उनके द्वारा लोगों के बीच बांटे गए राशि 1,00,000 रुपए से ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन अगर 1,00,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी देखा जाए तो मैंने 40 साल में अब तक 280 करोड़ रुपए बांट दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं करते, वे पैसा गंवाने के लिए राजनीति करते हैं, वे सेवा के लिए यह काम करते हैं। CM नीतीश का तमिलनाडु दौरा रद्द। आज यानी कि 20 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमिलनाडु जाने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर उनका यह कार्यक्रम कैंसिल हो गया। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिस वजह से वह तमिलनाडु के लिए रवाना नहीं हो सके। ऐसे में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तमिलनाडु गए हैं। मालूम हो कि CM नीतीश के तमिलनाडु जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। वहीं तेजस्वी यादव भी उनका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका तमिलनाडु जाने का कार्यक्रम स्थगित हो गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव और मंत्री संजय झा को तमिलनाडु के लिए रवाना होना पड़ा। बताया जा रहा है कि CM नीतीश का बीते दिन भी तबीयत ठीक नहीं। विपक्षी एकता की बैठक को लेकर मंत्रियों को दी गई जिम्मेदारी। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को होने वाले विपक्षी एकता की बैठक को लेकर सभी जिम्मेदारी मंत्रियों को दे दी गई है। बता दें कि इस बैठक में शामिल होने वाले विपक्षी दलों के अतिथियों के लिए कुछ 17 बेहतरीन कमरे तैयार किए गए हैं, जहां वह रुकेंगे। इसके अलावा अन्य मुख्य
होटल की भी व्यवस्था की गई है। वहीं मौसम का ध्यान रखते हुए उनके खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में शामिल होने वाले कुछ अतिथि पटना 22 जून को पहुंचेंगे और कई अन्य नेता 23 जून को पटना पहुंचने वाले हैं। ऐसे में इस बैठक में सभी अतिथियों को पटना पहुंचने से लेकर बैठक में शामिल होने और फिर वापसी तक की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंप दी गई है। इसके साथ ही सभी पहलुओं पर अभी से बेहतर तरीके से काम करने की योजना बनाई जा रही है। विपक्षी एकता की बैठक को लेकर पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। ऐसे में इस बैठक को लेकर राजधानी पटना की सड़कों पर पोस्टर्स लगने शुरू हो गए हैं और आने वाले एक दो दिन में पूरी राजधानी विपक्षी दलों के पोस्टर से पड़ जाएगी। मालूम हो कि आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए आयकर गोलंबर पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान की तस्वीर है। इसके साथ इस पोस्टर पर लिखा गया है कि देश के लाल अरविंद केजरीवाल का बिहार की क्रांतिकारी धरती पर स्वागत एवं अभिनंदन। इसके साथ ही बड़े नेताओं के पटना आगमन को लेकर विभिन्न दलों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 23 जून को होने वाले विपक्षी दलों की बैठक में करीब 18 दलों के शीर्ष नेता शामिल होने वाले हैं। आज के दिन टेस्ट क्रिकेट में 3 दिग्गजों ने किया था डेब्यू। आज यानी कि 20 जून की तारीख क्रिकेट के लिए एक बड़ी तारीख है। दरअसल आज ही के दिन भारतीय टीम के 3 दिग्गजों ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। हालांकि इनके डेब्यू करने वाला साल अलग अलग था। बता दें कि हम जिस 3 दिग्गज क्रिकेटर की बात कर रहे हैं जिन्होंने आज ही के दिन टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, वो सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सौरव गांगुली ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू आज के दिन 1996 में इंग्लैंड दौरे पर लॉर्ड्स के मैदान पर किया था। वहीं राहुल द्रविड़ ने भी अपना डेब्यू 1996 में ही लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए इसी मैच से किया था। इसके अलावा विराट कोहली ने अपना डेब्यू वर्ष 2011 में वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ किंगस्टन में किया था। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, कमलेश शर्मा, सदुल्लाह पलवी, कुमारी संजना, मोहम्मद सकीर हुसैन, मुटुर रंगीला, नुन्नू गोलू कुमार, अर्जुन राम, मोहम्मद असलम, मोहम्मद अफजल मंसूरी, राजकिशोर महतो, योगेंद्र रजक, रविशंकर, कन्हैया कुमार, अंशुप्रिया, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य के भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखते तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।